दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सांपला अमृतसर के ईएनटी अस्पताल में उन लोगों का हालचाल जानने पहुंचे जिनकी बीते दिनों लगे कैंप में नाकामयाब ऑपरेशन के दौरान आंखों की रोशनी चली गई थी। इस दौरान सांपला ने कहा कि केंद्र सरकार इन मरीजों के इलाज के लिए हर संभव सहायता करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इन मरीजों के इलाज के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च में भी इलाज करवाने की बात कही है। सांपला ने कहा कि पंजाब सरकार इन मरीजों के इलाज के लिए सारा खर्चा वहन कर रही है, जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार भी मदद करेगी और कसूरवार डॉक्टर व एनजीओ के ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया है। तो मेरी नड्डा जी से भी बात हुई थी आज, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पीजीआई की टीम भी एक भेजी थी और उन्होंने ये भी कहा कि अगर पेशेंट्स को, जितने भी पेशेंट वहाँ पे हैं, अगर किसी को किसी तरह का भी ट्रीटमेंट की जरूरत हो, वो चाहे पीजीआई में करवाना पड़े चाहे एम्स में भी करवाना पड़े, तो वो भी हम करवाएंगे। और किसी भी, वैसे तो पंजाब सरकार ने सारा उनका जो मेडिकली जो भी एड देने के लिए उनका इलाज का सारा खर्चा पंजाब सरकार ने उठाया है, मगर फिर भी अगर किसी को ऐसी इच्छा या ऐसी ज़रूरत पड़े तो वो केंद्र सरकार भी उसमें मदद करेगी और किसी भी तरह की सहायता उनके इलाज में होगा वो हम करेंगे। चाहे वो इस ऑपरेशन की परमिशन या हम कह दें कि इसकी इन्फॉर्म करने के लिए वो भी नहीं किया, प्रशासनिक तौर पर भी कहीं ना कहीं गलती उनसे पूरी नहीं, वो जो फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की गई। और जो ऑपरेशन थिएटर है वो एक जनरल ऑपरेशन थिएटर था जिसमें गाइनीज के ऑपरेशन भी होते थे, जनरल ऑपरेशन भी होते थे, और जहाँ जनरल ऑपरेशन होते हैं वहाँ पे आई ऑपरेशन नहीं हो सकते।